हाय गाइस, मेरा नाम है दिव्यांश, आप देख रहे हैं माय स्मार्ट प्ले स्टेशन। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप डेविल मे क्राई 2 कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, अपने डायमंड पीयूष में चलाना कैसे है, सब इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। तो ये गेम आपको दो पार्ट्स में मिलता है, डिस्क 1 और डिस्क 2। तो आपको पहले डिस्क 1 को खेलना पड़ेगा, उसका एंड करना पड़ेगा, जब जाके आप दूसरा खेल सकते हैं। और उसको भी आपको ये नहीं है कि पीछे से आके आपने इम्यूलेटर में सेव कर दी, उससे नहीं होगा। आपको इसमें जो सेव का ऑप्शन आता है उसमें सेव करनी पड़ेगी लेवल को, जब भी आप दूसरे पार्ट को खेल सकते हैं ढंग से। और आप मेरे FPS स्पीड देख सकते हैं कितनी आ रही है, कभी 28 आ रही है, कभी 27। तो ये बहुत सही आ रही है मेरे मोबाइल में 3GB में, और आपका है 4GB और आपका सही प्रोसेसर है, तो आप बहुत बढ़िया तरीके से इसे खेल सकते हैं। और इससे पहले मैंने आपको डेविल मे क्राई 3 की वीडियो बनाई थी, हाईली कंप्रेस्ड। अगर आपको उस वीडियो को देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ऊपर कार्ड्स में भी दे दूंगा मैं आपको, कार्ड्स खोल के आप चला सकते हैं उस वीडियो को। और इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, और वीडियो पसंद आए तो सबसे पहले इसको लाइक करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है, और शेयर करना है जितना भी हो सके आपको। और ये गेम आपको दिख ही रहा होगा डायमंड पीयूष 2 में है, तो लिंक मैंने डायमंड पीयूष 2 का भी दे रखा है, और आपको डिस्क 1 डाउनलोड करनी हो तो उसका भी दे रखा है, और 2 का भी, पहले 1 को ही डाउनलोड करना। तो दोस्तों, आप डाउनलोड कर लेंगे तो जिस फोल्डर में करना है तो उसमें जाइए, डाउनलोड में कराया मैंने, देखिए आप डेविल मे क्राई 2, तो इस पर एक बार क्लिक जी। 900 MB का समझिए, 1GB का एक्सट्रैक्ट हेयर, तो आपके मोबाइल में कम से कम 5GB खाली होनी चाहिए। आपको दिखा देता हूँ इसका साइज़, 4GB 400 MB का है ये, ISO आपको दिख रही होगी, चलो मैं आपको इन्फॉर्मेशन में दिखा देता हूँ। देखिए ये रहा साइज़ पे लिख रहा है, आपको दिख रहा होगा, तो आप देख लेना आपके में होनी चाहिए 3GB खाली, जब भी आप इसे डाउनलोड करना। और एक बार डाउनलोड करके देखिए, बढ़िया चले तो दूसरा पार्ट भी डाउनलोड कर लेना, उसका भी लिंक दे रखा है मैंने। तो उसके बाद इम्यूलेटर खोल लेना है, इम्यूलेटर में आप गेम सेलेक्ट कर लेना है, बायोस वगैरह। तो मैं आपको दिखा देता हूँ गेम आपने जिधर एक्सट्रैक्ट करा उधर ये आ गया। पहले अब आपको सेटिंग दिखा देता हूँ मैं, सेटिंग पर क्लिक करना है, और ग्राफिक्स में जाना है, और मोबाइल की इन्फॉर्मेशन निकालनी है तो क्लिक कर देना, वरना ऑफ ही रहने दो इसे, इस पर 1 कर देना है। और स्क्रीन आपको फुल देखनी है तो फुल कर दीजिए, और ये डिसेबल इसे कर देना है, और नीचे के दोनों ओपन। ऑडियो में आना है, उसको म्यूट ऑफ होगा आपको ऑन कर देना है। उसके बाद कंट्रोल में जाना है, कंट्रोल में वाइब्रेट आपका ऑन होगा तो इसे भी ऑफ कर देना है। सिस्टम में आके आप स्किप बाय उस पर भी क्लिक कर देना, आपका ऑन ऑफ होगा। उसके बाद आपको सिस्टम में दिखा देता हूँ, इस सब को स्पीड को आप कर लेना, और फिर आप गेम बहुत बढ़िया तरीके से चला सकते हैं, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ। और आप नीचे कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना कैसा चला आपके मोबाइल में। और इसके ग्राफिक्स की बात करूँ तो बहुत बढ़िया लग रहे हैं मेरे को, और गेम ये बहुत बड़ा होने वाला है आपके लिए, आप देख लेना ढंग से खेलना इस गेम को, बहुत अच्छा गेम है ये। इसका तीसरा पार्ट भी बहुत अच्छा है, उसका भी लिंक दे रखा है, हाईली कंप्रेस्ड है, उसको एक बार खेल के ट्राई करके देखिए। और ये FPS स्पीड की बात करें तो अब मैंने स्क्रीन रिकॉर्डर से कर रहा हूँ अब मैं इसे रिकॉर्ड, तो 30 आ रही है, स्क्रीन रिकॉर्डर से थोड़ी कम आ रही है, तो इसलिए मैंने शुरुआत में आपको गेम प्ले दिखाया था कैमरे से रिकॉर्ड करके, तब सही चल रहा था, इसमें थोड़ा अटक अटक के चल रहा था, लैग हो रहा था, तो इसलिए मैंने आपको दिखा दिया ऐसे। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन रिकॉर्डर से, आप बताना कैसे चल रहा है आपके मोबाइल में नीचे कमेंट करके। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और जितने ज़्यादा हो सके इसको शेयर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, आपके लिए ऐसी गेमिंग की वीडियोज़ हम लाते रहते हैं।